चले यहां देखिए राही नीचे आपका प्राइम हो ठीक है, ऊपर में जो नंबर रहे वो कोप्राइम रहे एक दूसरे से ठीक, और जो पावर रहे वो प्राइम से एक कम रहे वो पता चल रहा है। ये था आपका फॉर्मेट थ्योरम। उसके बाद अब आपका आ रहा है विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम हाँ, अब विल्सन थ्योरम क्या बोलता है उस पर ध्यान दीजिएगा ठीक है। देखिए सर, विल्सन बोलता है कि नीचे में एक प्राइम रहे, ये फॉर्मेट विल्सन ये सबका बाप आएगा यूलर थ्योरम, समझे, ये सबका बाप आएगा यूलर थ्योरम। उस समय ये सारा चीज फैल हो जाएगा, समझे। आप लोग बचपन में जब ये साइंटिफिक ये पढ़े थे केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल है ना, सबसे पहले कौन आया था? पीरियोडिक टेबल जो होता है उसको सबसे पहले कौन दिया था? सर वो क्या तरबूज के अंदर छोड़ दो, डीएपी में जो 10,000 1,00,000 बर्बाद किए हो ना, इसी कारण, समझा? ना ना ना, बचपन का पढ़ा हुआ चीज का रिवाइज करने की जरूरत नहीं होता जल्दी। देखें यहाँ पर तो धीरे धीरे करके सब कुछ फैल होते गया ठीक है। न्यूलैंड का फैल हुआ, मेंडलीव का फैल हुआ, ये सब कुछ का फैल हुआ और आया फिर ठीक। तो सर ये क्या बोल रहा है कि नीचे में एक प्राइम रखो ठीक है, और ऊपर में प्राइम से एक कम रखो, ऊपर में प्राइम से एक कम हो और वो फैक्टोरियल में हो। किसमें हो? फैक्टोरियल में हो, तो रिमाइंडर वो हमेशा आपका -1 देगा, और रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो -1 के जगह वापस से नीचे से इसको माइनस करना पड़ेगा, ये पता चल रहा है ठीक है। देखिए यहाँ पर राहुल छपड़ा कह रहा है इतना, देखिए यहाँ पर जैसे अगर एग्जांपल दें हम यहाँ पर 5 तो फैक्टोरियल 4, इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए ना। देखते हैं 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मतलब 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 = 12 और ये 24, 24 / 5 क्या आएगा? -1 आएगा। -1 का मतलब ये 5 - 1 कितना? 4 आ रहा है ना। इसका मतलब कि ये जो विल्सन आपका बोला था वो सही बोला था। इसी को आधार मान करके बहुत सारा क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे अगर ये बनाते हम लोग, रिमाइंडर क्या आएगा? -1, समझे। खाली ये छोटा सा बता करके टपक गया ठीक है, हल्का सा बताया और निकल दिया धरती से। क्या होगा? -1। तो ये समझ में आया आप लोग को ठीक है। ये पैटर्न पर खाली 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिए सर, ये आपका प्राइम है, प्राइम से एक कम है तो रिमाइंडर आपका -1 या फिर 126, पता चल रहा है ये वाला ठीक है।
सेम ये वाला। हंस ले पहले, आराम से पहले दांत निकाल करके पहले यहां रख करके उसको हंसवा लो पहले, उसके बाद फिर फिट कर लेना, है ना। सुजीत अंदर आ जाइए। तो चलिए यहां देखिए, सुजीत को बोले हो आप लोग कल कर सकते। देखिए यहां देखिए, यहां समझिए सर, इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा आपका माइनस। अभी तक एक भी क्वेश्चन बना नहीं है इस टाइप से, इसको बेस मान करके, लेकिन प्रैक्टिस किए थे तो एक दो क्वेश्चन इस तरह बन सकता है। अब वो कराने जा रहे हैं, कहीं भी प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एगो बनाते हैं नया क्वेश्चन, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में आए या फिर ना भी आए। ये तो कोई थ्योरम को फॉलो नहीं करेगा, ये तो कोई थ्योरम को फॉलो नहीं करेगा ना, नहीं करेगा सर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दिमाग कहां से कहां लगेगा ये बताइए। इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है कि विल्सन बोले हां भाई लग रहा है मेरा ही जैसा है, इसमें कहां से आप लोग पकड़िएगा कि विल्सन बोलेगा कि हां तेरा सही है, मेरा ही भाई के जैसा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल और देते हैं, देखिएगा सैकड़ों क्वेश्चन बन सकता है इससे, खुद से आप लोग बना सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन, किसी का भी दिमाग अगर मुर्दा ना हुआ हो, एक्टिव हो, तो इसको कैसे बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। किसी का भी दिमाग है कि एक लोटा में पैक है कि बाहर है, जैसे हाँ वेरी गुड शाबाश। ये जो फैक्टोरियल 10 है इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि फैक्टोरियल 6 के बाद तो वो क्या देगा आपका माइनस 1 देगा, है ना सर। ये जो आपका फैक्टोरियल 6 है ये इससे करेंगे तो ये क्या देगा आपका माइनस 1 सर। अब यहां से क्या आएगा आपका, और किसी का दिमाग और किसी का, एक मिनट रुकिए, इसको देख करके क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है
फॉर एग्जाम्पल अरे आप लोग सोच खो दिए क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसको देखने पर भी आप लोग सोच खो दिए क्या, मतलब मैथ कहाँ घोर करके कहाँ फेंक दिए, इसको देख करके क्या अंदाजा लग रहा है आप लोग का, इसको देख करके क्या अंदाजा लग रहा है, इसको देख करके क्या लग रहा है, इसको देख करके क्या लग रहा है, ध्यान क्या लग रहा है, यहाँ रिमाइंडर जीरो। यहाँ रिमाइंडर जीरो इस सब में, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, आप लोग जानते क्या कीजिए, आप लोग क्या कीजिए पता है, इधर इतना सा पानी लीजिए समझे, एकड़ में खाली एकड़ में डूबो हम समझे एकड़ में है ना, जब बोला चुल्लू भर पानी वो यही वास्ते है समझे, इसमें खाली नक्का डुबा लीजिएगा अपना समझे, आप मुंह से सांस मत लीजिएगा, उसी को बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब जाना है ना, पनिया आप ही के लिए ला रहे थे तो पानी दो इनको भाई, चुल्लू चुल्लू भर पीछे जगह है, पीछे पीछे नहीं नहीं आपको पीछे ही बैठना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जगह नहीं है मुक्ति, इन लोग एडजस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एडजस्ट करके लोग परेशान हो चुके, आइए पीछे आइए बाबा, हो गया यहाँ यहाँ टाइम डिस्टर्ब मत कीजिए, एक तो आ करके लेट किए ऊपर से बात करके मत कीजिए, यहाँ सुनिए तो सर ये 275 के अंदर क्या 271 छुपा हुआ नहीं है, है ना, अरे एक कर अंदर 197 छुपा हुआ नहीं है, है सर इसके अंदर तो पहले दिख रहा है 137, तो सबका रिमाइंडर क्या होगा जीरो, तो कब बोलिएगा, हाँ बोल रहे थे है ना, बोल रहे थे है ना, अब ये बताइए तो सर नीचे प्राइस, अच्छा ठीक माइनस वन, अच्छा एक नया दे रहे हैं, जिसका आ जाएगा हाल उठाइएगा, उसको बोलिएगा नहीं हाल उठाइएगा, आप लोग रिमाइंडर को समझे ही नहीं है, आप लोग रिमाइंडर खाली रट लिए हैं, फॉर्मेट आएगा नीचे प्राइम खोजो, रिमाइंडर नंबर सिस्टम आदमी को घोर के पी जाता है, जिसका आ जाएगा हाल उठाइए, ठीक आ गया इशारा करो, ठीक वेरी गुड यस, दीपक क्या कर रहे हैं, यहां देखिए दीपक सचिन क्या होगा आंसर,
दीपक इधर बेंच है ना खाली, इधर है ना, हल्का इधर बैठिए, तब आलोक से दूर बैठिए थोड़ा हल्का। सारा कीजिए तो हाँ यस, पीछे से किसके इसका आया हाजिर, क्या हुआ आंसर 51, रितेश क्या होगा, सचिन आंसर क्या होगा, आलोक खड़ा हुई है तो खड़ा होइए, पंखा बंद कीजिए, सबको गर्मी में पढ़ाएंगे आज ये लोग गधे सब। 53 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है हमको ये बताइएगा पहले, इसका मतलब क्या होता है, ये फैक्टोरियल क्या बोल रहा है, खड़ा रहिए रितेश, खड़ा रहिए, ये फैक्टोरियल क्या बोल रहा है, कैसे बताइए हमको, वेरी गुड, कहां तक जाएंगे, ठीक बैठिए, रे गधावन नहीं पता था कि 53 फैक्टोरियल का मतलब होता है 53 इंटू 52 इंटू 51 इंटू 50, पता है ना, बढ़िए हमरा ये बताइए कि ये जो 50 है इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, इसके अंदर आपका 9 छुपा हुआ है, 7 छुपा हुआ है, 9 सते क्या होता है, तो जो ऊपर में 63 है ये 63 को बचने देगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, कहां है दिमाग, पिलर रहा वहां पर होगा, मुड़िया फोड़ते हुए जाइएगा अपना, 0 दिखता नहीं है, जो सीजीएल निकालेंगे ये लोग, आलोक सचिन इधर आ जाइएगा, दो लोग आ रहे हैं जरा देखिए। अब जो पूछ रहे हैं 100 बताइए तेरे को, ठीक है, एक दो तीन, बबलू क्या होगा इसका, 12 क्या होगा, एक, सूरज प्लस एक, प्लस एक आया है और एक क्या आया है, प्लस एक और एक का आया है 12, मतलब माइनस एक आता और 12 सही रहता है, और किसी का जानन, एक, राहुल क्या है, राहुल क्या है, कैसे सीरियस हो करके तुम बताओ कैसे है ये, बोला हंसे का तड़ से मारेंगे अभी, बताइए क्या है,
ये रिमाइंडर क्या देगा, ये रिमाइंडर क्या देगा, साजिद ये रिमाइंडर क्या देगा? हाँ क्यों क्यों, रीजन मैन उसके अंदर क्या है? तो देखा था इसके अंदर 13 नहीं है फैक्टोरियल 15 के अंदर, तो यहां से रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। और यहां से रिमाइंडर क्या आएगा? माइनस वन आएगा। यहां से माइनस वन आएगा और ये माइनस वन और ये माइनस वन क्या हो जाएगा? रिमाइंडर प्लस वन। अभी दो थ्योरम को मिक्स कर दिया गया है। तो आप लोग फैक्टोरियल ही नहीं समझ रहे हैं सही से। आप लोग को ये लग रहा है कि एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जामिनर की जगह हम बैठे हैं तो 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इसको 10 जन्म तक हम बनाते रह जाएंगे अलग अलग नया नया टेक क्वेश्चन। रिमाइंडर जीरो, अच्छा वो ना ना जब विल्सन किए थे तो आप उस समय विल कर रहे थे ना, आए नहीं थे है ना, वही तो सुबह सुबह चल रहा था। हम 3 बजे सोने के बाद मेरा सुबह सुबह कैसे नींदा खुलता है वो हम ही जानते हैं। देखिए बिना एक्यूरेट टाइम का अगर हम 15 मिनट लेट कर देना हर एक स्टूडेंट आपको गाली देगा मन मन। 3 दिन खाली लेट कर देना हर एक आदमी गाली देगा। आप लोग लेट करते कि हम गाली नहीं देते होंगे, हम भी होते हैं पर मुंह बना देते हैं सबको, कड़वा है लेकिन हाँ नहीं करते हैं। सुन लो हम अगर 10 दिन यहाँ लेट कर देंगे, साला गधा कहीं का हर दिन लेट करता है पता नहीं सोता होता है कि नहीं, हमारे बोलेंगे आप लोग, अरे एक आदमी नहीं सब लोग बोलेंगे, कोनवा तक वो ये आएगा समझे। चलिए नया क्वेश्चन देखिए, टाइम पे अनुशासन पाल लीजिए। देखिए आप अब एक क्वेश्चन बनाते हैं इसमें से अपने, ठीक है ट्राई कीजिएगा। छोड़ो यार हटाइए इस पर, ज्यादा इस पर क्वेश्चन बनेगा ना कैलकुलेट करवाने जाए। चलिए चलिए अब नया जी सिखा रहे हैं सीखिएगा ठीक है। कुणाल मंगल केवल एक थ्योरम बताए हैं जिसका नाम है विल्सन, ठीक है एक कुछ नहीं छोटा मोटा है देख लीजिएगा। चलिए नया चीज बताने जा रहे हैं, देखिए अब एक नया चीज है उस पर ध्यान दीजिएगा, इसका कोई नाम उम नहीं इसलिए अमित थ्योरम भी रख सकते हैं आप लोग ठीक है। हाँ क्या करना है इसको, हाँ क्योंकि उसके बाद जो है सो यूलर थ्योरम है पर थ्योरम का हमको नाम ही नहीं पता। अब ये थ्योरम क्या है वो समझिए, ये थ्योरम है आपको कि बड़ा से बड़ा नंबर का, लाइन सुनिएगा हम थर्टीन बता रहे हैं, बड़ा से बड़ा नंबर को प्लस माइनस वन के फॉर्म में तोड़ना है, प्लस माइनस वन के फॉर्म में तोड़ना है। अब वो कैसे तोड़ना है एग्जांपल समझ लीजिए, अभी तक जो रिमाइंडर थ्योरम बताए हैं उसमें सबको क्लियर है, दो वो थ्योरम बचा हुआ है, एक यही अमित थ्योरम और एक बचा हुआ है यूलर थ्योरम।
उसके बाद रिमाइंडर आपको ये जन्म में देखने को नहीं मिलेगा सिवाय एग्जाम के। और हम बेस्ट बता रहे हैं कि धरती का कोई भी बुक से बन जाएगा अगर हम ध्यान से सुन रहे हो तो। केवल क्वेश्चन करवा के नहीं निकाल रहे हैं, दिमाग को मथ के निकाल रहे हैं। अब जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सुनिए। सर एक सिंपल सिंपल डाटा लेकर के हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अब सुनिए मेरा बात को, मेरा सुनिए। जब भी नीचे प्राइम देखने को मिलेगा तब एक सेकंड के लिए आप फॉर्मेट को दिमाग में याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक सेकंड के लिए दिमाग में लाइएगा, ऐसा नहीं कि मतलब उसको साथ में लेकर के ही घूरिएगा। आस्था यहां देखिए, कहां देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको साथ में लेकर के ही चलना है कि भाई फॉर्मेट आओ, समझे नहीं। अगर नीचे प्राइम आ गया तो एक बार फॉर्मेट को याद कर लीजिएगा, और अगर वो ज्यादा याद नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा, समझे। और ये जो फैक्टोरियल वाला दिखेगा, ये था ना ये वाला फैक्टोरियल वाला, ये आपको मैक्सिमम कहीं देखने को नहीं मिलेगा। रेयर क्वेश्चन था, 2018 का प्री में आ गया था, इसलिए हम करवा दिए। उसके बाद ना 2019 में आया है, ना 2020 में आया है, ना 2016 में आया है। इस साला गलती कर दिया था, पता नहीं कब दे दे। क्योंकि जब हम क्वेश्चन रात भर खड़ेल रहे थे कल, तो ये क्वेश्चन देखने को मिला था। टाइपिंग वाला बोलता है चलो भैया कहाँ कहाँ क्वेश्चन वाला आते हैं, कहाँ कहाँ किन टाइप करवाए। टाइपिंग देखिएगा आप लोग, तो बोलिए चला पगला झूठे उसको पगला दिए। देखिए अब क्या है, समझिए सर, प्लस माइनस वन के फॉर्म में तोड़ना है कैसे, देखिए। अब खाली एक काम कीजिएगा, हम रिक्वेस्ट करते हैं, अब खाली एक काम कीजिएगा, ठीक है। जो बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये है आपका, नंबर्स का खेला ये। अगर आप लोग अब नंबर्स से प्रेम नहीं किए तो रिमाइंडर थ्योरम को भूल जाइए, और एग्जाम में एक क्वेश्चन तो भूल जाइए, दो मार्क्स भूल जाइए। अगर नंबर्स का खेला करने आप लोग नहीं सीखे, अभी जो बताने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा नंबर्स का खेला ही है आपका, ठीक है। झोड़ी सही चल रहा है ना, देखिए सर ये है क्या, देखिए क्या नीचे प्राइम है, नहीं है ना, तो फॉर्मेट को याद मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हर बार प्राइम को मत खोजते रह जाइए कि हे भगवान प्राइम कहाँ गया, तो हर बार इसको मत खोजिए, अब भूल जाइए प्राइम को, केवल तो उसको फॉर्मेट को, समझे। वो पहला प्यार था, भूल जाइए उसको। सब भूल जाता है, ठीक है। घटनाक्रम होता है मेरे साथ, सब भूलता है, भूल जाओ, आगे बढ़ो, फतेह करो, ठीक है। देखिए रोहित को भूल गया ना, क्या रोहित भूल गया कि अभी भी याद है रे। ये है मेरा चेला। और दीदी बोलती है तू स्टेटवर्क की सिखाता है रे, तेरा वीडियो कभी कभी देखते है, तेरा स्टेटवर्क तुरे ही लगेगी। राहुल पर मेरा संगत का असर हो रहा है धीरे धीरे, अभी यही रह रहा है लाइब्रेरी में, दिन भर मेरे साथ बैठ रहा है, ठीक। हाँ रे केकर बगल में बैठा दिया है।
पहले देखें आप सर, 9 को जब 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अच्छा दो लैंग्वेज बनता है। कल एक गधा मेरा दोस्त क्या बोल रहा था कि 8 को 9 से डिवाइड करते हैं। अच्छा इसका लैंग्वेज क्या है, 9 को 8 से डिवाइड करते हैं कि 8 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं? आ रहा है ना, रुके, ध्यानंद जी को बोल रहे थे आपका मुंह का हमको अलग टोन दिखाया। हाँ बोलिए तो, 9 से 8 को वरना गलत टोन लगा हमारा। अरे 9 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से, है ना? और उल्टा बोलेंगे तो क्या, 8 से डिवाइड कर रहे हैं किसको? 9 को, है ना? लैंग्वेज का खेला आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे। अर्थमेटिक मैथ में इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज लिखा हुआ रहेगा। अब क्या बोलेगा उसमें, किरण का दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है पता है? 2 अंकों की संख्या पहली संख्या का 5 गुना को जब उल्टा कर दिया जाता है तो फिर उसमें 47 ऐड करके कुछ नई संख्या प्राप्त होती है। आपने जब उल्टा करने जाएंगे दिमागी आपका उल्टा हो जाएगा, है ना? उसके बाद बोलिएगा क्या उल्टा, दिमागी उल्टी फुलटी हो गई है ना? तो जब तक लैंग्वेज को आप लोग समझिएगा नहीं ना, आप लोग का कुछ नया हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग जब पढ़िएगा तो क्या, बहुत लोग पढ़े तो क्या पढ़े हैं, एक समान डिस्काउंट में पढ़िएगा कि खरीद करके लाया फिर अपना जीजा को बेचा, उधर से साली आई बोली कि नहीं हमको चाहिए तो उसको बेचा, तो घर वाला बोला कि नहीं सबसे छीन करके हमको दीजिए, फिर उससे ले लिया, तो बताइए फाइनली वो आदमी को क्या हुआ, समझे? इस सब क्वेश्चन लैंग्वेज पर आधारित है। अरिथमेटिक मैथ मतलब लैंग्वेज, एडवांस मैथ मतलब आपका दिमाग एक स्टेप आगे, ये होता है। सर यहां पर आपका क्या रिमाइंडर 1 आएगा, इसको करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1, और 1 का पावर कितनों रहे, रिमाइंडर क्या देगा, ये आ रहा है ना? नेक्स्ट देखिए, यहां पर रिमाइंडर क्या देगा, 1 का पावर कितना रहे, 1, यहां क्या देगा रिमाइंडर, -1 का पावर 256, रिमाइंडर क्या देगा, -1 का पावर 257, रिमाइंडर क्या देगा, क्या देगा, किसका किसका 1 आया वो सही है, 1 आया ना, क्या आया, अच्छा क्या आएगा, क्यों, वेरी गुड। सर यहां देखिए सर, 1 का पावर इवन रहे या 1 का पावर ऑड रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन -1 का पावर अगर इवन रहे और -1 का पावर ऑड रहे तो फर्क पड़ेगा। -1 का पावर इवन रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1, मतलब क्यों, क्योंकि 1 into minus क्या होता है, प्लस, फिर आएगा आपका into minus क्या हो जाएगा आपका, प्लस, लेकिन सर -into minus क्या होगा आपका, माइनस, ये तो पता चल रहा है ना सर। नेक्स्ट आप समझिए सर, ये हुआ एग्जांपल, सर ये क्या एग्जांपल हुआ ना कि आपको साफ साफ एग्जामिनर दिखाएगा क्या हो रूबी थोड़ा क्या, आपको एग्जामिनर सामने से ही दिखा देगा, समझे, जैसे ऐसे दिखा देगा, तो सर ये आपका -1 का पावर और मतलब -1 मतलब आंसर 256 है ना, तो क्या हुआ, दिमाग आपके दुश्मन भी अब कमजोर हो गए थे जैसे, अब इसको हराना आज हो गया। याद रखिए तो कभी कभी एग्जामिनर सामने से ही दे देगा आपको दिखा कर कि देखो जो नीचे में है ना
उससे एक कम है या फिर उससे एक ज्यादा है। और कभी कभी एग्जामिनर आपको दिखाएगा ही नहीं, ठीक है, हम इसलिए सोकर देखो कौन कंपनी का है पहले पहले देखा बोले अगर बेगवा कंपनियां पढ़ रहे हैं बढ़िया एक्सेप्शन एक्सेप्शन लोग हैं। आप जब यहां पर खड़ा होइएगा ना सबका आंख देखिएगा ना, तो किसी का आंख ऐसे रहे, किसी का आंख लड़की तरफ रहे, किसी का आंख अब इन्हें उन्हें देखेगा, किसी का कौन सपना में रहेगा पता नहीं। चलिए यहां नहीं जी, अब क्या है कि एग्जामिनर सामने से दिखा करके नहीं देगा कि ये माइनस वन है कि प्लस वन, ठीक है, आपको खुद ही उसको माइनस वन और प्लस वन के फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ, ये दिया है, अब एग्जामिनर ये बोल रहा है कि इसमें सब चीज फेल हो जाएगा आपका, ना नीचे प्राइम है ना ही फैक्टोरियल है, कोई चीज नहीं लगेगा। अब इसमें क्या दिमाग लगाना है वो समझिए, ठीक है सर। अगर एग्जामिनर इस तरह से दिया है और प्री में दिया है, उसका मतलब ये चाह रहा है कि 30 सेकंड 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बने, ठीक। तो सर ये आप तीन को देखिए पहले, ये तीन को, तीन का क्यूब क्या होता है, पता होता है, और ये जो 27 है वो 28 से एक कम है ना, तो सर इसको ना इसको इससे सुनिएगा, ये 522 से तीन निकाल करके इसको दीजिए है ना। किसी भी नंबर से कुछ निकालते हैं तो उस नंबर को जो निकाल रहे हैं उससे डिवाइड करते हैं। अगर 12 में 12 से 4 को निकाल रहे हैं तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे वही ना बचेगा, अगर 12 से 4 को निकालेंगे तो 3 बचेगा, 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो सर जब इससे ये लाइन सुनिएगा वरना अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन में दिक्कत कर देगा आपको, ठीक है। जिस नंबर से जिस किसी चीज को निकाल रहे हैं, निकिता यहां, जिस नंबर से किसी चीज को निकाल रहे हैं, जिस नंबर से कोई नंबर को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, वही बचेगा जो इसको इससे डिवाइड करने पर बचेगा। समझ में आ रहा है, जैसे 12 से अगर 3 निकाल रहे हैं तो यहां क्या बचेगा, जो ये 12 को 3 से डिवाइड करने पर बचेगा, यही बचेगा ना। हाँ शुभम समझ में आ रहा है, सीधा होकर बैठिए। तो सर अब इससे 3 निकाल करके इसको देंगे, जब 3 निकाल करके इसको देंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको। तो सर इसको अब कोना में चाहे दिमाग में वहीं पर 3 से डिवाइड कर दीजिए, अभी यहां कर रहे हैं 174, मतलब यहां पर क्या बचेगा 174। सर ये 3 का पावर 3 और ये ब्रैकेट में दीजिएगा 174, क्योंकि इससे 3 निकाल करके इसको दे दिए और नीचे क्या है आपका 28। अब ये कितना हो गया 27 28 174, ये माइनस वन होगा, माइनस वन का पावर इवन, तो आंसर क्या होगा आपका, हुआ ना। तो सर ये अंदर छुपा हुआ रहेगा, तो अब आपको देखना है कि वो कैसे हम लोग उसको बाहर निकालें।
सर यहां पर क्या हुआ ना, यहां पर डायरेक्ट कट गया आपका 522, हम दिए ही उस तरह से। लेकिन सर हो सकता है कि अलग दे, अब ये अलग कैसे देगा वो समझिएगा। सिक्स थ्री फाइव, ठीक है, चलिए इसी बात पर देखिए। सर हमको पता है कि तीन का पावर तीन क्या होता है, सत्ताईस, मतलब इसको सत्ताईस के टर्म में कर सकते हैं हम लोग, है ना। इसको अगर सत्ताईस बना देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, माइनस वन बन जाएगा रिमाइंडर, माइनस वन से कट जाएगा, है ना। सर यहां सत्ताईस बनाने के लिए तीन इससे निकालेंगे, लेकिन सर ये पूरा पूरी तीन से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, मतलब कुछ तो बचेगा, क्या बचेगा, पावर दो बचेगा। कैसे करेंगे देखिए बुतरू लोग, देखिए जैसे सिक्स थ्री फाइव में तीन निकालेंगे बाहर तो डिवाइड करने के लिए जाएंगे दो, ये वन ये वन, रिमाइंडर क्या बचेगा, मतलब कि ऊपर पावर में दो बच रहा है तीन से डिवाइड करने पर, दो को गोल कर लीजिए। तो सर अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब तीन को हम तीन देने के लिए गए, ध्यान से चुप रहिएगा, तो ये 211 तो बच गया, लेकिन सर एक्स्ट्रा क्या हो गया, तीन का पावर दो, नीचे क्या है 20. ये 211 इंटू तीन 633 हुआ, और ये तीन का पावर दो, तो यहां पर सर वापस से कंबाइन करेंगे तो तीन ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 633 इंटू तीन का पावर दो, जब बेस सेम हो और यहां मल्टीप्लाई हो तो ये ऐड होता है, तीन का पावर 635। अब इससे बच्चा क्या सब नहीं बता पाएंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गधा आप लोग, हम बता दे रहे, अगर रियली में नहीं समझ में आ रहा है ये वाला ना तो कंपटीशन आप लोग के लिए नहीं है, इतना बच्चा से बता रहे जो, ठीक है, क्योंकि इसको ये जो प्रॉब्लम, ये सब क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम होता है ना उसको हम फेस किए हुए हैं, और वो प्रॉब्लम आप लोग को ना हो इसलिए हम बच्चा के ऐसा बता दे रहे हैं कि डिवाइड करने पर ये सब टू कहां से आ गया, ये सब हम लोग प्रॉब्लम फेस किए हैं, हम लोग को बताने वाला नहीं था, इसलिए समझिए। सर अब इसको इससे करेंगे क्या हो जाएगा, 27, तो सर यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर 27 लिख सकते हैं, और 27 के जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस वन, डिवाइड कर रहे हैं, माइनस वन का पावर, और आंसर क्या आएगा, माइनस वन। तो सर इसका पूरा क्या आया, माइनस वन, तीन का स्क्वायर नौ, क्या आएगा, माइनस नौ, मतलब उन्नीस। बात तो एक ही है, यहां तक हर एक प्राणी को समझ में आया, मुकेश समझते हुए चलिएगा, हम बता दे रहे हैं, सामने वाला पैसा दे रहा है तो आप लोग भी दे रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, बिना समझे आगे बढ़े छोड़िए, हटाइए की बोले बार बार। सर अब समझिए मेरा बात, अब कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, समझिए मेरा बात, ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर ही देगा अजीब अजीब सा, ठीक है, पहले क्वेश्चन हम करवा रहे हैं फिर अजीब अजीब सा हम क्वेश्चन करवाएंगे अपने से, अभी देखिएगा जो क्वेश्चन करवाएंगे वो सारा अपने आप बन जाएगा आप लोग, ठीक है। ये हो गया ना,
अरे इतना सब करवा दिए, ये वाला ना 110, 110 नंबर, 109 हो गया ना। देखिए अब माइनस वन, माइनस वन का पावर इवन आंसर आएगा। सुशील समझ में आया? अनीश, विकी, बिट्टू कहीं पर दिक्कत हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है सब? ठीक। गुडरी आपको समझ में आ रहा है ना? पहलका वाला में ई बिचारी एगो इलेवन में है और उसमें एगो पूजा है, इसका आंसर पूछ रहे हैं सर। फोर्टी एट है ना कि 18? जो बता दिया हल्का लगे है कि हाँ जो पढ़ाए थे वो आया है, वो बताएं। ठीक है, मॉर्निंग आंसर बनाइए आंसर। अब कितना ममता का आया है? 7। हाँ, तेज आदमी के साथ हर कोई जाता है। सामंत कितना आया? 7। सही है, सही है, सही है। मजाक कर रहे नहीं। मेरा मेहनत और तरीका कभी व्यर्थ नहीं जाता है, अगर काम शिद्दत से करते हैं। इस तरह का रिमाइंडर थ्योरम अगर हती में कोई बताया हो ना इतना प्यार से, तो देखिएगा यूट्यूब में एकदम छोटा लैंग्वेज में आप लोगों को तरीका से हम बताएं। सबका आया? 7 आया सबका? एक दूसरे का हेल्प करके सबका आंसर लाइए तो तब आगे बढ़ेंगे। आया 7 आया जिसका? आया बिट्टू 7 आया। सी आपका आधा बनाइए, और आधा उसका आधा आया, क्या करें। अंजलि आया? यस, अंजलि बता दो। सोनू बताइएगा मिथिलेश को। आज परवा बात कर लेने जा रहे थे, राखी बात कर करते परवा बेचारी थे वैसे चले जा रहे थे उदास। हम बोला की हो गया एकरा, राखी मारू दी क्या? ये मारती है खालू को, मारते हैं यार। तेरे को तो मैं राम समझता था, तो राक्षस निकला। हाँ सुने ही डलक हुआ, हम देंगे दूर है। रूबी आप किसके साथ हैं? आप साइंस की तरफ है कि जालू की तरफ? सलोमी बना बेटा? नहीं बना, आखिर बात है ना इनको। देखिएगा ठीक, आपको लग रहा है कि 7 का स्क्वायर करने पर 49 बन रहा है ना? बन रहा है ना? तो सर ये जो 101 है ना, 101 इससे इसको, अच्छा ये 7 को क्या मिल जाए कि ये 49 हो जाए?
दो है ना, तो 101 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं तो एक बच रहा है ना, एक बच रहा है। एक बार देखिए समझिएगा आप लोग, सब सबका बन जाएगा। देखिए इतना नहीं बना, बता दे रहे नीलम बना, सुभाष सुभाष बना नहीं बना, समझाते हैं बिट्टू। ठीक आस्था बना आपका कितना आया, अंजलि बना, आइए यहां देखिए, यहां देखिए पिंटू नहीं बना, समझाते हैं इनियोस नहीं बन गया, देखिए यहां देखिएगा मुक्ति आंसर आया। हाँ वही हम सोचे कि इतना आंसर नहीं आने के बाद भी इतना हंस रहे हैं आप। हाँ आपको एक सलाह देते हैं मुक्ति है ना, रोहित से बच के, उसी बात बहुत हंसी आ रहा होगा आपको है ना, वो पूरा हंसाएगा आपको, वो थ्री इडियट्स का चतुर रामलिंगम है वो है, खुद का मार्क्स बढ़े ना हुआ दूसरा जरूर कम कर देगा, समझे। रोहित आंसर आया, आया आधा दूर पटक गए। राहुल आंसर आया, क्या हो रहा है सर पता नहीं अगल बगल क्या चल रहा है ना। आदित्य नहीं आया, सब तो दिन क्या बोलते हैं, सुशांत कहाँ गए पीछे से, कूद गए क्या पीछे, बाहर गए कूद गए पीछे क्या। मंगल आई आंसर आया, चलिए यहाँ देखिए सभी लोग कलंकित आदमी, यहाँ देखिए सब लोग यहाँ पर ठीक है, 2 मिनट शांत हो जाइए। सबको ये पता चल रहा है ना कि जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा और 48 को 49 से करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन सर ये जो पावर हुआ है ना इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं आप लोग। आप लोग को 2 चीज बताए थे सुनिए ठीक है, गधरन सुनो सुनो, जब ये पता चलेगा ठीक है कि पावर से कुछ निकाल करके ये नीचू वाला को देना है, जैसे पावर 101 है उससे 2 निकाल करके इसको देना है, तो ये पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, समझ में आ रहा है, ये जो चीज निकालना है उससे डिवाइड करेंगे। लेकिन सर क्या 101 को 2 से डिवाइड करने पर पूरा कटेगा, 1 बच जाएगा ना, तो ये जो 7 का पावर 1 जो 1 बच रहा है ना उसको साइड कर दो एकदम साइड, कि तेरे को बाद में देखेंगे तू साइड जा पहले अभी है ना, जो बचा है पहले उसको हैंडल कर लीजिए, जो बचा है पहले उसको हैंडल कर लीजिए, समझ में आ रहा है। सर कैसे हैंडल करना है ये समझिए मेरा बात, 101 से 2 निकालिए, मतलब 101 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा, तो सर 50 बार में जाएगा तो 50 दीजिए इसको, देखिए 7 का पावर 101 48 है ना, इससे निकालेंगे 2 इसको देंगे, 7 का पावर 2
लेकिन जब 101 से 2 निकालेंगे, तरीका यही कीजिएगा, अभी 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 बुतुरी ऐसा कीजिएगा अभी आप लोग, इससे 2 निकालेंगे तो पता चलेगा 50 बार में जाएगा लेकिन एक क्या हो जाएगा आपका। अभी ये 7 को बोलिए तुम एक लेकर निकलो बाहर, जो बच गया वो रहने दो। तो 7 का पावर ये 50 बच गया इनटू 7 का पावर 1 को बाहर ले गए, जो 1 बच गया था ये 7 को 7 इसको लेकर के बाहर निकल गया, हुआ ना, निकला लेकर के। और नीचे क्या था आपका 48। ये 7 का पावर 2 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 49। तो सर यहां पर आएगा आपका 49 और ये आएगा क्या 1, तो ये कितना आएगा आपका 1 का पावर कितना रहा है 1, और यहां 7, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 7। ये था आपका आंसर। समझ में आया? हमको ये बताइए, अभी रुकिएगा, यहां पर 101 के जगह 103 कर दिया जाए, हाँ उठाइएगा ना कि बताइएगा, हाँ उठाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सुशांत बताइए क्या होगा आंसर। हाथ कौन उठाए थे इसको, सुशांत हाथ उठाए थे ना, बताइए क्या होगा, सब शांत, मुक्ति -1 होगा कि 7 होगा, नहीं निकाले है ना, इसने भी निकालना पड़ेगा। राहुल कैसे, जैसे अगल बगल बोल दिया वैसे 7 है ना, रोहित 7 कैसे, 7 का क्यूब होगा ना भाई, तो बोलो पूरा बोलो मिथिलेश क्या होगा कैसे, शामिल क्या होगा कैसे, ठीक इसका 41 आंसर -1 आ रहा है, 51 गुना 2 102 हो गए, 51 आ रहा है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है ना। अरे 48। चलिए यहाँ ये देखिए, आप बताइए तो रुकिए, अब बताइए क्या होगा 41 माइनस नहीं कर पा रहे हैं सही से,
48 में 7 माइनस होगा कि 50 में 7 माइनस होगा? क्या होगा आंसर? 43 होगा। सचिन आएगा 43? हाँ, माइनस 7 को वापस से 50 करेंगे तो 43 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा मान जाएंगे। बेटू ये जगह दीजिए, जरा एक जगह, दो मिनट के लिए बैठी बैठी। गुड मॉर्निंग। के नंबर डी नंबर बिट्टू आया, वहां कीजिए कर लीजिए, वहां कीजिए कर लीजिए कर दे। आई देखें यहां पर सर, ये 5 का पावर 16, 5 का पावर 25 को 6 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः R1 और क्या आता है आपका R2। तो सर जब इसको 6 से करेंगे, इसको 6 से करेंगे तो गधबेन यहां आएगा -1 का पावर 16 मतलब 1, -1 का पावर 25 मतलब -1 मतलब 5, -1 का मतलब क्या 6 में वापस से 1 काटेंगे तो क्या आएगा 5, तो ये कितना आया 1 और ये कितना आया 5 और R2 कितना है, आंसर क्या होगा 6/5 आएगा ना। बना ये वाला हाँ, देखो अब उम्र नहीं रहा तुम लोग का मस्ती का, थोड़ा उम्र से बाहर निकल जाओ सब लोग। चलिए यहां देखिए सर, ये क्या है आपका 2 का पावर 18 -1। हमको ये पता है ना कि 2 का क्यूब करने पर 8 आता है, और वो 8 को जब 9 से, हम क्या बोलें कि या तो एग्जामिनर खुद -1 और +1 दिखा करके देगा, है ना, या तो आपको उसको -1 और +1 के फॉर्म में लाना होगा, ठीक है, लाना होगा। मतलब ये पता है कि 2 का क्यूब क्या होता है आपका 8। तो सर ये 8 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे, देखिए -1 के फॉर्म में आ गया ना, आ गया ना, तो सर -1 के फॉर्म में अगर आ गया है तो सर इससे 3 निकाल करके इसको देना है। जब इससे 3 निकाल करके इसको हम लोग देने के लिए जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 3 से पूरा पूरी कट रहा है,
कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो सर इससे तीन निकाल करके दीजिए, तो दो का पावर तीन यहां क्या होगा छः, और ये माइनस वन बाय नौ। और सर इसके जगह पर, ठीक है, इसके जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, अच्छा लिख देते हैं पूरा, ठीक है सर, यहां लिख देंगे आठ का पावर क्या छः माइनस वन बाय नौ। तो सर यहां माइनस वन आएगा सर, ये माइनस वन का पावर छ क्या हो जाएगा आपका वन, और ये तो ऑलरेडी माइनस वन है, तो क्या आएगा वन माइनस वन, आंसर क्या होगा आपका जीरो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका बी, समझ में आया। नेक्स्ट, अब ये किसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 114 चलिए 115 ये हुआ आपका बेस्ट। अब ये रहा आपका क्वेश्चन बेस्ट, अब इसको बनाइए एकदम जल्दी जल्दी बनाइए, देखिए इसको सर, ये वन होगा, ये क्या होगा माइनस वन का पावर इवन क्या होगा आपका वन होगा सर, ये सुनिएगा माइनस वन का पावर ऑड माइनस वन होगा ना। अब नेक्स्ट समझिए, अब ठीक है देखिए सर, आप समझिए सुनिएगा सर, ये 64 को इसके करीब लेकर के जाइए, ठीक है ध्यान दीजिएगा, सुनिए देखिएगा ठीक। आप हमको एक बात बताइए, अब यहां से नया चीज बता रहे हैं, ठीक है देखिए देखिए सर, 9 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे और पावर 1001 रहे, तो किसी को रिमाइंडर 1 दिख रहा है, दिख रहा है ना सर, ये 9 को अगर 2 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 का कितना भी रहे 1। यही क्वेश्चन है, पता है ये जो है ना ये वाला एकदम डीटो यही क्वेश्चन है, बस सही नंबर बड़ा है, समझे। तो सर ये इसको जब 4 से करेंगे ना तो देखिए आएगा क्या 256 से 1 ज्यादा है ना, तो यहां रिमाइंडर क्या आएगा 1। 1 का पावर कितना रहे रिमाइंडर आएगा ना। अब ये देखिए इसको 4 से कीजिए, 4 से 18 चौक 72 और ये 4, 472 हुआ, 472 से 1 कम है मतलब क्या होगा माइनस, और माइनस 1 का पावर इवन है, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1। समझ में आया। इसको 5 से कीजिए, 5 से, हम पहले बोले ना नंबर का खेला 99 को 100 मानिए, तो 100 को 5 से करेंगे तभी तो 500 के करीब आएगा। सर एक चीज बताइए हमको, सर आप कैसे समझ लिए ये सब, हमको ये समझिए ठीक है, ये सब हटाइए एक बार दिमाग लगाइए, आप कैसे समझ लिए कि सबसे पहले तो ये यहां प्राइम नहीं है, फॉर्मेट गया भाड़ में, फैक्टोरियल नहीं है, विल्सन गया भाड़ में, उसके बाद क्या दिमाग लगाएंगे कि देखिए प्लस माइनस वन बन रहा है कि नहीं, अमित थ्योरम प्लस माइनस वन बन रहा है कि नहीं, है ना। अगर निकला ढिलो करके नहीं, बचपन बचपन में करते थे, है हाँ ऐसे कर, ऐसे करके ऐसे इसी इसी करे तब बोल देगा दीदी को। देखिए आरु पीछे बंदरवा है ना, बचपन में ऐसे ढीलवा ना, पीछे बंदरवा ऐसे ढीलवा निकाल करके ऐसे मोड़ करके बंदरवे सर ऐसे करता था। देखिए क्या बोला, इतना बड़ा भेजा थी, कितना दुख हो रहा है इसको, ना 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 हम लोग तो कनवे खराब है, इमरजेंसी कहाँ एक्सीडेंट हो गया, जाइए जाइए बाइक दे क्या। देखिए सर ये 64 है, 64 को 60 मानिए और इसको 240 मानिए, सर 4 से करने पर करीब आ रहा है ना,
तो सर इसको चार से ही ट्राई कीजिए, पांच बार जब कीजिएगा ना तो 60 पांच 300 भाग जाएगा, और सर जब तीन बार में कीजिएगा ना तो 60 या 180, तो ये बीच में चार बचा है गधेड़ा लोग, चार बचा है समझे। अब यहां पर 118 को देखिए, 100 को चार से करेंगे तभी तो 400 आएगा, और 18 चौक 72 तब 472। अब यहां देखिए 99, 99 को 100 मानिए और इसको 500 मानिए, 500 के करीब है। ये पूरा अर्थमेटिक काम सार बता रहे हैं डिवाइड करने का, वरना डिवाइड करते रह जाइएगा सर पांच से ही काहे किए, तीन से काहे नहीं किए, है ना सर। इसमें आप चार से अचानक गजब का आदमी है यार, आप चार से कर दिए सर, दूसरे भी तो होता था ना। अब यहां 342 दिख रहा है, 7 का क्यूब 343, 3 निकाल करके इसको देना है इससे। ये सब बुद्धि कहां से आया, बुद्धि पढ़ के आया जानते। देखिए सर जब इसको 5 से करेंगे तो आएगा 495, 495 से कितना कम है, माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का पावर और क्या आएगा, 99 में 1 गया 98, ये सब कर लीजिएगा अपने। जिंदगी इम्तिहान लेती है, आए बनाया था तेरे, मारी ना, मारी ना, बताइए छोटी बहन कितना डरा रख ले, अभी अच्छे साने मारी, मारी बजन नहीं। देखिए अंजलि की मम्मी, अंजलि के पापा, दीदी और जिया जी दोनों मारा पीटी कर रहे हैं। देखिए सर याद रखिए, आप इससे 3 निकाल करके इसको देंगे सर, 3 काहे निकालेंगे, 2 काहे निकालेंगे, मेरा क्या मकसद हमको बताएगा मिथिलेश, मिथिलेश सर 3 क्यों निकालेंगे, 2 क्यों नहीं निकालेंगे, 3 से क्या दुश्मनी है हमको, और 3 का क्या बताएं आस्था तब आस्था भी हेल्प कर देंगे आप, काहे समझते नहीं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं उनका चैनल से, अपलोड कर रहे हैं कि नहीं, नहीं कर रहे, हे भगवान। देखिए आपको बोले आप लिस्ट टू लर्न जो चैनल है ना उसमें स्पोकन इंग्लिश यहीं पर अपलोड कर दीजिए, डिजिटल बोर्ड में सिखाते हुए आओ सीखे स्पोकन, खाओ खाओ खाओ। हम लोग के लिए वही है, हम लोग के लिए अंग्रेजी मतलब चाइनीज सारा दोनों समझ में नहीं आता है ना। When we, not I, or we, think about English, we dead. You are the only girl in this class. Speak English. क्यों उठा रहे थे? सबके अलग टेंशन है, हमारा इंग्लिश टेंशन है, हमारा पेन की टेंशन है। ये बन जाएगा नीला? हाँ रोहित बोलो। देखते हैं ये वाला सबसे खतरनाक है, यूलर। अरे बड़ा इजी लगेगा यार, विश्वास रखो ना यूलर को, इतना अच्छा बताएंगे कूलर से ही मजा आएगा। ये सब क्वेश्चन को औकात है, ये सब का मिथिलेश को कुछ नहीं है सर। चलिए यहां समझिए, सबसे पहले देखिए ए नलायक लोग, यहां देखिए यहां रे रे सुन 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 रहे, देखिए अगर नीचे प्राइम दिखा तब फॉर्मेट को याद करेंगे, और मात्र कुछ समय के लिए याद करेंगे, ज्यादा रिश्तेदारी नहीं निभाएंगे उससे, ठीक है समझिए। चलिए
है। ठीक है, चढ़ाएगी ये। सही, अच्छा आप लोग जानते हैं। ठीक है इला, देखिए सर समझिए, हमको ये बताइए कि 168 का 13 से क्या संबंध है। स्क्वायर का संबंध है ना, मतलब कि इससे 2 निकाल करके इसको देंगे, है ना, इससे 2 निकाल करके इसको देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना, है ना। जब हम लोग ये 6, 8, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 3, 4 और 2, क्या बच जाएगा, 1। अब ये जो 1 बच गया, 13 को बोलेंगे तुम 1 लेके निकलो, है ना, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, है ना, और यहां क्या, जब इसको 2 से डिवाइड किए थे तो क्या आया था, 3, 4, 2, और एक को क्या बच गया था, 13 का पावर लिख दे रहे हैं आप, सही है ना। ललिता समझ में आया, ये 2 कहां से आया, कहां से, इससे निकाले, है ना, इससे निकाले तो ये बचा, नहीं ये बचा, वेरी गुड, ये हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई किए फिर इससे ऐड किए तो वो आएगा वापस से, बस। और ई जो है ना, ई की इसको लिख सकते हैं 160, यहां आएगा 1 का पावर कितना रहे, 1, और ये 13, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 13 आया। ठीक है, चलिए आप समझिए, एकदम शांति से समझिए, निकलो, तो रोका है क्या, देखिए ये 63 का 2 से क्या संबंध, दो का पावर 6, 64, मतलब कि हमको 2 को क्या देना है, 2 को 6 देना है। एक एक स्टेप को सुनिएगा, सबसे पहले ये देखना है कि 2 का संबंध है कि नहीं 63 से, सुनिएगा कौन सा संबंध, माइनस और प्लस 1 का, है ना, तो संबंध है ना 64, मतलब प्लस 1 का संबंध है, मतलब कि 2 का पावर 6, है ना सर, 2 का पावर 6 ही कैसे समझे, क्योंकि 2 का पावर 6 करने पर ही 64 आता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 64, हाँ। तो सर जब 6 उससे निकालने के लिए गए हम लोग, ठीक है सर, जब 6 निकालने के लिए गए किससे, 331 से निकालेंगे कि 63 से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, क्यों, क्योंकि पावर है, है ना, अरे सब यह रटा देंगे, अब काहे टेंशन लेते हैं, घर जाकर के बोलिएगा सर सब याद हो गया, 6 × 5 फिर बचेगा कितना, 3, 6 × 5 क्या बचा, अब देखिए ये जो 55 है और ये जो 1 है दोनों का उपयोग करेंगे हम लोग, है ना, और ये जो 6 है देखिएगा कैसे कैसे उपयोग करेंगे, देखिएगा ठीक, मेरा विश्वास रखें, अरे गोलका कहां गया, इसका और इसका, ये तीनों का इस्तेमाल करेंगे, देखिए ये 6 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि ये 2 मांग रहा है 6, और 331 से 6 निकाल रहे हैं, है ना, तो सर ये जो 2 को क्या दिए हैं हम लोग, 6, सर ये 2 को 6 जब निकाले, है ना, मिथिलेश यहां आया, 2 सर ये 331 से जब 6 निकाले, ठीक है,
तो ये 55 बचा, मतलब 55 ऊपर आएगा। लेकिन सर ये फालतू में जो एक बच रहा है वो दो क्या करेगा, लेकर के निकल जाएगा, और नीचे क्या रहेगा आपका 63। ये कैसे हुआ समझ में आया सबको? ठीक है, दो का पावर 6 को क्या, देखिए सब चीज का इस्तेमाल हुआ ना यहां पर तीनों का, 64 का पावर इंटू 2 का पावर 63। सही है। अच्छा परसों कौन कौन एब्सेंट थे? मदन का तो पता है कि वहां सब लोग इंतजाम कर रहे थे, आप लोग नालायक लोग कल एब्सेंट थे?